जी अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान कैसा गुज़र रहा है आप लोगों का? इस वक्त मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी की तरफ अफ्तार, एक छोटी सी अफ्तारी है वहाँ पर, उन्होंने बुलाया फ़ौरन और हम भागे भागे चले गए। बच्चे घर पे ही हैं क्योंकि छोटा बेटा मेरा, उसके अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे तो वो अपने फ्रेंड की तरफ अफ्तार पे गया है, और जो बड़ा बेटा है उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो तैयारी कर रहा है, वो घर पे इफ्तारी करेगा। और रैम्बो साहब भी मेरे साथ जा रहे हैं, और देखिए ससुराल जाते हुए मुंह ऐसा होता है ऐसा ये ससुराल जाते हुए ऐसा मुंह होता है बिल्कुल। और हम जा रहे हैं इस वक्त जौहर टाउन अम्मी के घर, वहाँ पर मेरा भाई हमजा भी है, उससे भी मुलाकात आपकी होगी। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वेलकम माय डियर, वेलकम। ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जमाई राजा किधर हैं? वो आ रहे। ओके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वेलकम। मैं खुद भाग के दरवाजा बंद कर शोबिज़ के लोग समोसे खा रहे हैं। अच्छा ये तो सब कुछ खाते हैं, मैं फिर ये लोग इतने स्मार्ट कैसे हैं? रमजान में कोई चीज़ मोटा नहीं करते। ये बात तो है। अल्लाह भी नेम सारे ये आगे डाल दूँ ग्लास में। जी आंटी पानी डाल दें। पबजी भी अक्सर मैं आपको देता हूँ। ये हाँ जी
ये मेरी मम्मी का घर है और ये खाइए ज़रा। रैम्बो साहब अफ्तारी हो चुकी है और अफ्तारी के बाद नमाज अपनी खत्म कर चुकी है। मैंने नमाज पढ़ी और यहाँ पे तो नहीं, अब रमज़ान है तो अब हम यही चीज़ नहीं खाएंगे। आज छोटी सी अफ्तारी थी, एक दो गेस्ट और हैं और हम लोग हैं इस घर लोग देख चुके होंगे। मैं इसमें शूटिंग्स भी कर चुका हूँ, अपने दो ड्रामों की शूटिंग्स कर चुका हूँ। या आपने ये देखा होगा, अगर आपको याद आए मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला फ्रेम। ये यहाँ से मैंने बड़े शॉट बनाए हैं इस घर के। ये क्रेन का शॉट, ये आपको नज़र आया होगा। खाना लगा दें प्लीज़, हम भूखे हैं। खाना लग रहा है। रैम्बो मेरी बात सुनो, अब तुम एक समझदार बंदे हो चुके हो, सास के घर का खाना छोड़कर नहीं जाते। अच्छा, जल्दी घर है, मुझे जाना भी है। कहाँ जाना है? 7:30 बजे। पहले तो तुम बहाने बहाने से मेरे घर के चक्कर लगाया करते थे। हाँ, अब तुम्हें हर वक्त जल्दी पड़ी होती है। बेगम तुम्हारे साथ है और तुम किसी की नहीं सुनते। मेरा मकसद पूरा हो गया है। कितनी देर है खाने में? ये जो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े, इसको क्या कहेंगे, हमजा चेक्स ट्रॉफीज। चेक्स ट्रॉफीज ये मेरे भाई हमजा की हैं। ये देखिए गोल्ड मेडल कार्टिंग में। रैम्बो साहब आप ज़रा वीडियो बनाइएगा, मैं हमजा को खुद बुला के पूछना चाह रही हूँ ताकि मैं खुद दिखाए कि ये असल में क्या क्या कहाँ कहाँ दिखाओ जी हमजा। ये मेरी गो कार्टिंग की मुख्तलिफ़ ट्रॉफीज़ हैं जो कि मैं कुछ एक इनमें से ये चेक लाहौर से जीता हूँ और ये इस्लामाबाद में गो कार्टिंग है 2F2F के नाम से, वहाँ पे चैम्पियनशिप हुई थी। वो ये डिफरेंट प्राइजेज हैं, ट्रॉफीज़ हैं, मेडल्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, वो पता नहीं किधर गए। गो कार्टिंग क्या होती है वो भी बता दो। गो कार्ट रेसिंग होती है। हाँ अच्छा, ये भी पता चले ना। गो कार्ट रेसिंग वो जो छोटी गाड़ियाँ बाकी हैं, छोटे टायर वाली रेस वाली गाड़ियाँ जो। यस, कबाब जा रहे हैं, कबाब जा रहे हैं और भूख लग रही है। चलो चलें खाने पे चलते हैं। चले ये मुझे दे दें, खाने पे चलते हैं। खाने पे चलते हैं। खाना ये हल्की फुल्की इफ्तारी की थी, अब थोड़ा खाना भी खाना है। रैम्बो साहब बात ये है, कहते हैं कि इंसान का जो दिमाग है ना वो पैदाइश से लेके उस वक्त तक काम करता है, 24 घंटे काम करता है, 24 आवर्स, जब तक शादी नहीं करता। जब तक शादी मैं ये बंदा मेरी क्लैप ले गया भाई, ये दिस इज नॉट फेयर। मेरी क्लैप ले गया। अच्छा नहीं, अब नहीं मैं सुनाती, मेरा अब ज्यादा काम करता है। एक आदमी कहता है कि देखिए मेरे हाथ में शादी की लकीर क्यों नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे हाथ में खुशियां ही खुशियां हैं। तकलीफ है कि तुम्हारे हाथ में खुशियां ही खुशियां हैं तो शादी कैसे होगी? तकलीफ नहीं है कोई भी। लेकिन मेरी तो शादी करके खुशियां। देखो मैं अपने दामाद के सामने शादी के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ और लेकिन बहरहाल शादी के ये वो लड्डू हैं, जिसने खाए वो भी पछताए, जिसने ना खाए वो भी ज़्यादा पछताए। तो मैं तरह खा ही लिए तुमने। मैं थोड़ा पानी ला दो शीना। संडे तो हमारा नाश्ता होता है वो ब्रंच। बस कर दो, बस कर दो भाई। नहीं अच्छा, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ आप ससुराल में कैसे भी इतना खा रहे हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो लगी हैं क्योंकि खाना जब खा रहा हूँ ना तो मैं फिर खाना खाता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि वीडियो बन रही है। और बहुत सारी वीडियोस पे एतराज़ भी आया कि रैम्बो भाई पीछे कैसे खा रहे हैं। तो भाई जब सामने खाना पड़ा हो
تو سب سے پہلے کھانے کو توجہ دینی چاہیے, رزق کو آپ کھائیں, رج کے کھائیں. یہ نہیں کہ ویڈیو کے میں آپ ایسے چھوٹے چھوٹے بائٹ لیں اور ویڈیو بند ہوتے ہی آپ ایسے ایسے کھانا شروع کر دیں. میں جیسے کھاتا ہوں میں ویسے ہی کھاتا ہوں. تو یہ لوگ کیمرے کے آپ کے نا ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں, ایسے ہلکا. اور کیمرا کٹ ہوا, وہ بھی دونوں ایسے ہوتا ہے. تو میں جو کیمرے کے آگے ہوں ویسے پیچھے. اچھا, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھ سے کھائیں. کہتے ہیں چاول, کیوں, وجہ بتائیں. چاول نہیں, آپ نے ایک بات کی تھی, سنت بھی ہے کہ ان کا ہاتھ ان کے منہ میں ہی جاتا ہے. یہ جو چمچ ہے یہ سب کے منہ میں جاتا ہے. چمچ جاتا ہے وہ سب کے منہ میں جاتا ہے, اور آپ کا اپنا ہاتھ ہے وہ آپ کے منہ میں ہی جاتا ہے, کسی اور کے منہ میں نہیں. تو چمچ کئی ہزار لوگوں کے منہ میں جا چکا ہوتا ہے. گھر کے چمچ سے کھا لینا چاہیے, کوئی نہیں. ویسے بھی سننا ہے, بہت مزے. رامبو صاحب بہت چوزی ہیں نا کھانے کے معاملے میں. تھینک یو جی. اب اور بھی گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, شفا اللہ رکھی صاحب نے. رکھی بھائی بھی آئے ہوئے جی افطاری پہ آج, میڈم کے بھائی بنے ہوئے ہیں, بیگ بنایا ہوا, یہ آتے رہتے ہیں. اور چلے, اس کیمرا ساتھ رہتا ہے جتنے 10 گانے بنائے اس میں سے کوئی بڑا اہم ہو کون سا گنگنا رہے ہیں؟ وہ اصل میں نے بنایا تھا گانا, خالہ کا بیٹا ہے نا, خالہ کا مارا گھمرا گھمرا مطلب ڈانس کر, ڈانس کرا جا میرے اگر گھر میں تو آئے تو میں پھر ڈانس کروں, اس کا انتظار کر رہی ہے. کیا کلاسیکل بھی ہے, درباری راگ کا گانا ہے, اس میں کلاسیکل بھی ہے. ملاقات ہوگی تو ہمیں اجازت ہے, اب آپ کھانا کھائیں. بہت ہم نے جانا ہے, آ گیا انشاءاللہ. ملاقات.